कचहरी की दीवानगी वो है जो नए प्रेमी प्रेमिका की होती है कि भाई उससे मिलने के लिए बैठा होता है। वैसे ही मुझको लगता है कि जैसे ही अखबार की छुट्टी खत्म होती है तो अगले दिन कचहरी आने के लिए हर अधिवक्ता बेताब होता है, और जो नहीं बेताब होता फिर वो अधिवक्ता नहीं है। तो कचहरी में वही आदमी दिखता है जो कि लैला मजनू की तरह कचहरी से मोहब्बत करता है। और वही बात यहाँ के गांव बेच की और लोगों के आने की भरोसा करने की, तो वकील मुझे लगता है कि कभी किसी को मना नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी वकील ने किसी से ये कहा हो कि नहीं मैं आपको ये राय नहीं दूंगा। अगर वो समझता है कि नहीं हम राय दे सकते हैं तो राय देगा। और एक राय पे छोटी सी की विनती आपको बता रहे हैं कि गांव में बड़ा बुनियादी कराई गई, एक मेहमान आया और उसने कहा कि कोई भी उसको हरा दे मैं ऐसा चैलेंज करता। तो दूसरे गांव का पहलवान किसी गांव में आकर अगर चैलेंज करे तो गांव वालों को लगता है कि भाई वो हमारे गांव में आकर चैलेंज किया, इससे लड़ने वाला कोई है नहीं। तो सारे लोग बड़े चिंतित थे, कहे कि ये तो गांव की इज्जत की बात है। तो उस गांव में बड़े बुजुर्ग वकील प्राप्त हुआ, तो लोगों ने कहा कि और कोई तो राय देगा नहीं, चलिए वकील साहब के पास राय लेते हैं। तो वकील साहब के पास पहुंचे तो वकील साहब करीब 60-65 साल के बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि चलिए मैं कुश्ती लड़ूंगा उस पहलवान से। अब पूरा गांव सकते में आ गया कि मतलब ये पहलवान वकील साहब को सेकंडों में चित्त कर देगा, पूरे गांव की बेइज्जती होगी। खैर वकील साहब अपना अखाड़े की मर्यादा से तैयार होकर अखाड़े को पहुंचे और उसी लड़ाई के गाँव बीच में किसी तरीके से उन्होंने पहलवान की गर्दन में पकड़ के कान के पास जाके बोला कि कुश्ती हार जाओ तुमको 50 रुपया देंगे। अच्छा पहलवान सोचा कि कुश्ती जीतने पे 20 रुपए करेगा। वकील साहब ने कहा कि कुश्ती हार जाओ 50 रुपया देंगे। पहलवान को लगा कि ये सौदा अच्छा है और वो कुछ अपना नाटक करते हुए गिरा, वो चित हो गया। वकील साहब जीत गए, वकील साहब मिट्टी उठी पहुंचते हुए। तो पहलवान पहुंचा वकील साहब के पास, उन्होंने कहा कैसा गया? आपने अखाड़े में वादा किया था कि अखाड़े में 50 रुपया दूंगा, तो कह मैं देखो तुम अखाड़े में अपना दाम लगा रहे थे, मैं अपना दाम लगा रहा हूँ। तो हम लोग कभी किसी को निराश नहीं, चिंता है या किसी यूनिटी से खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी से खतरा है, वो एडवोकेट। हम अपनी ताकत को या तो कभी कम आंकते हैं या हम हनुमान जी की तरह आंक नहीं पाते, या हमको याद दिलाना पड़ता है कि हमारे पास इतनी ताकत है। आप सोचिए कि आजादी के बाद इस आजाद हिंदुस्तान में अगर किसी ने इस देश को आजाद कराया भ्रष्टाचार से, इस देश में अगर किसी ने आजाद कराया बाल श्रम से, इस देश में अगर किसी ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, इस देश में पर्यावरण की सुरक्षा पर अगर किसी ने अगर इस देश में काम किया, तो सिर्फ और सिर्फ एक कौम है, वो हमारे अधिवक्ता भाइयों की कौम है जिन्होंने कि अपने एक एक पिटीशन से ये सारे कानून हमारे देश में ला के दिए, चाहे वो टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे वो
प्रदूषण का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, चाहे फिरोजाबाद में चूड़ी का मामला हो, भदोही में कानून का मामला हो, ये जितने भी कानून बने बाल श्रम से लेके सारी चीजों पर हमारे वकीलों ने अपने अपनी मेहनत की और उसकी वजह से आज कानून बना। जहां तक आप लोगों की मांग है चेम्बर बनने की, तो मैं आदरणीय उमेश भाई साहब ने भी कहा, उमेश भाई साहब शिक्षक हैं, इस नाते भी मतलब हम लोगों से बड़े हैं और ब्राह्मण है इसलिए भी हम लोगों से बड़े, तो हमको उनको बड़ा भाई कहते हैं, ये हमको बड़ा भाई कहते हैं, मैं इनको कहता हूँ, लेकिन वास्तव में बड़े भाई यही हमारे हैं। और रही बात अभी शर्मा साहब ने हमारे सीनियर रहे हैं, हम लोगों ने सोची सोचते शिक्षा ग्रहण की है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि ये भवन बने, और निश्चित तौर पर मतलब उसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं बनेगा, और जैसा भाई साहब ने कहा कि आपकी अपेक्षाओं से आगे बनेगा, हो सकता है कि आप लोग 50-50 कर, हो सकता है 51 मंजिल और बढ़ जाए। सभी प्रांगण में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि हम कोई मंजिल बढ़ा नहीं सकते, तो आने वाले दिनों में देखिए सोच बड़ी रखनी चाहिए। 50 को आपकी मांग है, हम लोग चाहते हैं कि बिल्डिंग अच्छी ऐसी बने। अगले 5-10 साल में अधिवक्ता भाइयों को 3 के सेट में या कहीं बाहर बैठने की आवश्यकता न पड़े, तो बिल्डिंग का जो भी आपके मतलब कागज है या उसका जो भी पत्र है, मैं हरिद्वार जी से और अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि आप लोग जरूर प्रोवाइड करा दें, जिससे कि इस पर तेज गति से कार्रवाई हो और एक कम समय में ये चीज़ें आपके सामने आ जाएं, जिससे कि आपको लगे कि आपके किसी मामले की पैरवी। दूसरी बात आप लोगों ने कही आने के पहले, विधान परिषद का क्षेत्र है हमारा, यानी जो निधि का हमारा क्षेत्र है वो केवल हमारे 7 जिले हैं, 7 जिले के बाहर हम अपना निधि नहीं खर्च कर सकते हैं, केवल आपात स्थिति में, जैसे आपने कहा दैवीय आपदा में, दैवीय आपदा की तमाम सारी श्रेणियाँ बटी हुई है कि कहीं किसी के हाथ लग गया है वो ईश्वर न करे कि यहाँ कभी उन्हें होता है, या कहीं भूकंप जैसी स्थिति आ जाए, कोई बाढ़ जैसी स्थिति आ जाए, वहाँ पे कभी इमरजेंसी में हम लोग को कुछ एक निश्चित राशि देने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप कतई निराश ना हों, आपकी जो कल्पना होगी यहाँ के भवन के मामले में उस कल्पना से भी अच्छा भवन यहाँ हम बनवा देंगे। पहली बात तो बड़े भाई आदरणीय अजय प्रताप सिंह के सक्षम है, और जहां लगेगा कि हमारे बल्ले की आवश्यकता होगी शासन स्तर पर और प्रशासन स्तर पर न्यायालय में भी लग करके, अगर देखिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है जमीन, आपने बताया कि जमीन हमारे पास है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा उसका जमीन का पूरा कागज और एक उसकी एप्लीकेशन हमें भी दे दीजिएगा। आप जैसा बता रहे थे कि सीधा माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का संबंध है, महीने में मुझे लगता है कम से कम 2 बार मुलाकात हो गई होगी, उन्हीं का कृपा, उन्हीं की कृपा है जो हम इस पद पे आसीन हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मऊ के विकास में जितना वो इस समय सोच रहे हैं, अभी आप यहाँ एक कोई बड़ी पास हुआ है, क्या पास हुआ है, तो अभी मेडिकल कॉलेज पास हुआ है, इससे लगता है कि नहीं मऊ पे भी ध्यान है महाराज जी का। तो ये आपका जो इस भवन की आप बात कर रहे हैं बहुत खूबसूरत भवन, माननीय मुख्यमंत्री से निधि तो हमारी बहुत थोड़ी होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के और उसमें आपका भी सहयोग हो, जैसा आपने कहा कि बड़ा भव्य हाँ उसका उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम होगा, उसमें हम लोग सहभागी बनेंगे। और आज के बाद से जैसे हम सोचा करते हैं अपने 7 जिलों के बारे में, तो इसे आज से ही जिले के नाम जोड़ ले रहे हैं, वहाँ पर मऊ है, तो विकास के लिए जो भी हम कर सकते हैं, आप ये कोई हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं, हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं, मैं शिक्षक के एजेंसी हूँ, सामान्यता जैसे नेता लोग होता ना कि बहुत सारा आश्वासन या बहुत सारा जो है लफाटी, वो नहीं है, कहते कम है
करते जाता है तो आपको ये लगेगा कि नहीं उपेश हमसे जुड़े थे तो हमें उसका लाभ उसका फल दिखाई देगा। कारण यह है कि आज इतने सारे लोग तमाम लोग हो सकता है यहाँ तक हमारे साथ खड़ा होने वाला है।